चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद पर देखकर आज भारत का हर नागरिक उत्साहित है। चांद पर चंद्रयान 3 के पहुंचने के बाद हर भारतीय का सीना मानो 56 इंच का हो गया है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको सातवें आसमान पर ले जाएगी। जैसे ही चंद्रयान 3 के पेट से प्रज्ञान रोवर पार निकला उसके बाद तो गजब ही हो गया। चंद्रयान की सफलता ने जहां भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई पहचान दी है जो कभी नहीं मिटने वाली है, ऐसा ही एक खास निशान प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर भी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसरो के मुताबिक 26 किलो का रोवर प्रज्ञान एक रोबोट वाहन है जो 6 पहियों पर चंद्र सतह पर खोज करेगा। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चंद्र सतह पर यात्रा करेगा। इसके पहियों में अशोक स्तंभ की छाप है। जैसे जैसे रोवर चांद की सतह पर चलेगा वैसे वैसे अशोक स्तंभ के साथ साथ इसरो का लोगो का छाप चांद के सतह पर छपता चला जाएगा। यानी कि रोवर के पहिए में इसरो के लोगों के साथ हमारे देश के नेशनल एम्बलम अशोक चिन्ह का भी छाप है। आपको बता दें कि इसरो ने मिशन के लॉन्च से पहले एक कार्टून वीडियो शेयर किया था। इसी वीडियो में यह दिखाया गया था कि प्रज्ञान रोवर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो अपने पीछे अपना निशान छोड़ता जाता है। भारत के ये निशान अब हमेशा के लिए चांद पर रहेंगे क्योंकि चांद पर वातावरण नहीं है, इसलिए प्रज्ञान जो निशान छोड़ेगा उसे कुछ नहीं होगा। 1969 ही ले लीजिए जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स ने जिन चीजों को चांद पर छोड़ा था वो आज भी वही वैसे के वैसे ही हैं। भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या ही हो सकती है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।